आज हम लोग पढ़ेंगे मोटर के बारे में। मोटर दो प्रकार के होते हैं, मोटर, ठीक है। मोटर का परिभाषा है जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में चेंज करता है, इसे मोटर कहते हैं। मोटर एसी मोटर एवं डीसी मोटर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डीसी मोटर, डीसी मोटर वह मोटर जो डीसी यानी डायरेक्ट करंट के में चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग डीसी मोटर, ठीक है। तो डीसी मोटर में होता है सीरीज मोटर, सीरीज मोटर, दूसरा शंट मोटर और तीसरा कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर जिसमें होता है सीरीज मोटर, सीरीज मोटर का उपयोग उस जगह में किया जाता है जहां अत्यधिक लोड की आवश्यकता होती है, अत्यधिक लोड एवं टार्क की आवश्यकता पड़ती है, टार की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ हम लोग डीसी मोटर का यूज़ किया जाता है। शंट मोटर का उपयोग नॉर्मल लोड के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद कंपाउंड मोटर में भी हम जहाँ हमें ज़्यादा लोड की आवश्यकता नहीं उस जगह में इस मोटर का उपयोग किया जाता है। ये सब मोटर आते हैं डीसी मोटर के अंतर्गत। डीसी मोटर में इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर में होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर और 2 पॉइंट स्टार्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं डीसी मोटर का कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया डीसी मोटर। अब हम लोग पढ़ेंगे एसी मोटर। एसी मोटर के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के मोटरों की जानकारी देंगे। यह वह मोटर है जो इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है।